क्या लग रहा है आपको? पेशेंट बढ़ते जा रहे थे दिन भर। कोरोना से शहर में अभी 50 तक के लोग हो गए हैं। शुरुआत में सिर्फ एक ही पेशेंट था अपना, एक महीना कोई दूसरा पेशेंट नहीं आया था, लेकिन जब से दूसरा तीसरा चौथा शुरुआत हुए, 2, 3, 4, 5 ऐसे पेशेंट बढ़ रहे, ये स्थिति बड़ी घातक है। अब ये सब संसर्ग से हो रही है। रेड जोन आने से डेवलपमेंट में भी अपन पीछे रह सकते हैं। जो ग्रीन जोन है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रियायतें देना चाह रही है, देने वाली है, लेकिन अगर कंटिन्यू अपन रेड जोन में रहे तो अपने को घर में ही बैठना पड़ेगा। कब तक बैठना पड़ेगा ये नहीं बोल सकते। इसलिए सबको विनंती करूँगा मैं कि अपना शहर जल्दी से जल्दी ग्रीन जोन में आना चाहिए। उसके लिए प्रशासन के रूल फॉलो करना चाहिए, उसके लिए बाहर घूमना नहीं चाहिए। जो लक्ष्मण रेखा कहते हो, लक्ष्मण रेखा के बाहर में आना चाहिए। और शायद ये जब होगा तभी अपन ग्रीन जोन में आएंगे। ग्रीन जोन में आए तो अपना सब कारोबार शुरू होगा, रोजगार शुरू हो जाएगा। नहीं तो अभी स्थिति बड़ी भयानक है, बेरोजगारी की स्थिति है, भूखमारी की स्थिति निर्माण हो सकती है। उसके लिए कोरोना को अपने को रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए सबने साथ होके लड़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आणि एकतर आता जसं तू माझं पण उदाहरण दिलं की मला जशी विचारायला तबलीग, मी तबलीगचं आपल्या इथलं प्रमुख माझ्या ऑफिसला बोलवलं होतं, त्याच्याकडून मी डिटेल माहिती घेतली। आपल्या इथले लोक तबलीगला किती गेले होते, त्यांचा मेडिकल रिपोर्ट काय आहे सगळं घेतलं। मी बोलवलं, मला बरोबर कशाला बोलवलं, म्हणजे कसं आहे उलट तबलीग तबलीग ठीक आहे, जे तबलीगने बदनाम झालं असेल वगैरे आपल्याला त्याचीच काय बोलतो, पण एकामुळे सगळी दुनिया बदनाम कशाला करायची? आणि म्हणून जसं तू म्हणलं तसं आम्ही सांगितलं की याला तुम्ही आज एखादं करोना काय मुसलमान आणि हिंदू कोण येणार आहे? नाही अजिबात नाही, हे इथले सगळे हिंदू आहे समजा ना कधी, हे आमच्या समोरच्या बिल्डिंगमध्ये काय म्हणून हे करून आपलं लाईन थोडसा रस्ता बदलतो। आपल्याला आत्ता आपलं राजकारण करायला नंतर वेळ आहे, आपल्याला आत्ता वेळ नाही, आता हिंदी पडल्यावर आपण राजकारण करू बरोबर आता कुठे वेळ आहे। साहेबांनी मला रात्री सांगितलं की मला म्हणजे हा कोण आहे साहेब, काय मला म्हटले नव्हते, म्हणजे आता ज्या आधी साहेबांनी कोण हे विचारलं त्या आधी माझी ड्युटी होती की साहेबाशी बोलणं करून देतो। थँक्यू सर। तुमचे जी बाईट्स होते सर, तुम्ही लेगेसी की दो जिम्मेदारी होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुझे ऐसा लगा कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इतने विकट परिस्थिति में भी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए ये जो जहर अपने महाराष्ट्र में कुछ लोगों के जरिए घुलाया जा रहा था, कुछ लोगों के जरिए अफवाह पसरा के एक ही जमात को टारगेट किया जा रहा था और एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा था, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब ने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाइव में कहा कि आप कोई भी इस बीमारी को जातीय रंग ना दो, इस बीमारी से लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मुश्किल घड़ी में भी वो आदमी बार बार ये कहते थे कि ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, ये राजकारण का वक्त नहीं है, ये वक्त है मिलकर इस चीज़ को लड़ने का। तो कहीं मुझे ऐसे लगा कि यार जब एक आदमी इतना डाउन टू अर्थ होके इस महाराष्ट्र को बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल के मैंने कम से कम अपनी फीलिंग्स तो भी लोगों के सामने रखनी चाहिए कि एक मुस्लिम होने के नाते कई बार ऐसा देखा गया है कि पिछले 25-30 सालों से कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी शिवसेना को लेके बहुत से लोगों के दिलों में, लेकिन जब हमने इस नेतृत्व को देखा, इस लीडरशिप को देखा, काम करते हुए हर एक मजहब का ख्याल रखते हुए, मैसेज दिया, मैंने ये एक ही मैसेज दिया है उद्धव ठाकरे साहब को और सभी महाराष्ट्र को कि इस कोरोना की जंग में सभी मजहब उनके साथ है। इस महाराष्ट्र के 11 करोड़ जो आवाम है, ये जनता है, यहाँ के सभी मुसलमान सभी उद्धव ठाकरे साहब के साथ और इस सरकार के साथ खड़े हैं इस जंग से लड़ने के लिए। हमको सरकार की हर एक सूचना मान्य है और हमारे ओर से इंशाअल्लाह ताला जितनी भी कोशिश हो सकती है हम करते हैं। इवन हम लोग नमाजों में दुआ कर रहे हैं अभी रमज़ान में कि अल्लाह ताला इस महाराष्ट्र को, इस देश को कोरोना मुक्त करे और उद्धव ठाकरे साहब को और शक्ति दे इसे लड़ने के लिए। मतलब कल तो हमने दुआ भी की, आज आपकी बात हुई उद्धव साहब जी मेरी वहाँ पे औरंगाबाद संभाजी नगर में जो है अच्छे से काम चल रहा है, कोई भी वातावरण आप डिस्टर्ब मत होने दो। यहाँ के जो आमदार है अमरदास जी दानवे साहब, कहा कि ये सब लोग मिल के आप लोग इस जंग के खिलाफ लड़ो ताकि हम जल्दी इससे बाहर आ जाए। और मैं स्पेशली दानवे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे आदमी को, एक कार्यकर्ता को साहब ने रात में 12 से 1 बजे तक ढूंढा। उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, जैसे उनको पता चला कि मेरा वीडियो वायरल हुआ है तो रात में 12 बजे उनका मेरे को फ़ोन आया और बोला कि मैं अमरदास दानवे बात कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि कोई दोस्त है जो मजाक कर रहा है कभी मेरा, क्योंकि अमरदास साहब जैसी बड़ी शख्सियत अपने को क्यों को फ़ोन करेगी।
लेकिन जब उन्होंने कहा कि तेरा वीडियो सीएम साहब तक पहुंचा है और मेरे को भी पता ये अच्छा लगा और मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ, तो और मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे विचार को सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच दानवे साहब। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहसिन अफजल शेख है, मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, बाईजीपुर में, गली नंबर 29 में। और बेसिकली मैं बुल्ढाना से रहने वाला हूँ, जानीपुर से। अभी यहाँ पे मेरा कारोबार है, कंपनीज है मेरी, बजट हेल्थ केयर और रिमोट, दो इंडस्ट्रीज है मेरी। शुक्रिया आप सभी। 62,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे अधिकतर भी महाराष्ट्र के सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, सारे पेजों का एनालिसिस करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं, क्या है, कौन से पार्टी क्या स्ट्रेटेजी लगा सकती है। तो मैंने ये वीडियो भी इसलिए रिकॉर्ड किया ना कि मैंने देखा कि यार जब बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी को भी जाति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे प्रत्येक आजारात धर्म शोधता है आणि कुठतरी आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि एक असा मुख्यमंत्री आहे, महाराष्ट्राचा एक असा नेतृत्व आहे जे प्रत्येक वेळेस या संकटात सांगते की बाबा तुम्ही याला जाती रंग देऊ नका, हे एक घटना आहे, आपल्या सगळ्या मिळून याच्या सोबत लढायचं आहे। तर मला असं वाटलं कुठतरी आपण आपल्या मनात भावना व्यक्त करायला पाहिजे, कारण जोपर्यंत आपण व्यक्त करण्याने समोरच्याला कळणार नाही म्हणून बाकीच्या लोकांना सुद्धा, त्यामुळे बघून मुस्लिम लोकांच्या मनात काय भावना आहे शिवसेनेची, आदर आधीपासून आहे, अगदी म्हणजे बाळासाहेबांच्या काळापासून तो आहे, पण राजकीय पार्श्वभूमी वेगळ्या वेगळ्या होत्या। पण आता आम्ही ज्यावेळेस बघतोय की माणूस सगळ्या जाती धर्माचं लक्ष ठेवतोय, प्रत्येक वेळेस माध्यमांना सांगतोय की तुम्ही याला जाती रंग देऊ नका, कुठले त्याचं वातावरण खराब करू नका, तर आपण किती भाग्यवंत आहोत की आपल्याला इतका त्यांना मुख्यमंत्री लाभला, त्याप्रमाणे भावनेनं तो व्हिडिओ मी रेकॉर्ड केला होता। मी आता कसं झालं, तुझा व्हिडिओ आम्ही पण बघितला, पण आता कसं ह्या काळात व्हिडिओ बरेच येत असतात, बरोबर आहे, म्हणजे लिडरशिप आपली कशी मोठी ते मी सांगतो, आम्ही काही म्हणजे स्पष्ट होतं, आम्ही एवढं सिरियस नाही घेतलं, ठीक केलं बाबा करतात, आजच्या काळात सगळं करतात, सगळ्यांनाच आपलं सत्तावर राहावं लागतं, पण साहेबांनी मला तो व्हिडिओ पाठवला आणि हा कोण आहे शोध म्हणून सांगितलं, तर साहेबाचं किती लक्ष आहे हो ना की बाबा आपलं म्हणजे असं नाही, विरोधाधी बोलला असं तरी साहेबांकडे गेला असं तरी साहेब बोलतात, हे पण सांगतो मी, हे काय पहिलं उदाहरण नाही आहे साहेबाचं। हे आता त्या दिवशी त्या हे आपल्या माऊली ती सिंधुताई सबका सिंधुताई बहुत ही सिंपलिटी, पहले तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि खुद सीएम साहब मुझसे बात करेंगे, उन्होंने बात की, उन्होंने बहुत ही सिंपलिटी में मुझसे कहा कि अरे क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी, आप लोगों की वजह से ही सब कुछ है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, आप लोगों में से एक हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े पद पे एक आदमी होने के बावजूद भी कोई भी घमंड नहीं है या कोई भी ऐसा स्पेशल फीलिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपलिटी से एक कॉमन आदमी से बात करता है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग सब साथ रहो, खड़े रहो, इंशाल्लाह हम ज़रूर इस जंग को जीतेंगे, बहुत ही सिंपलिटी में उन्होंने बातें होते किंवा लोकप्रतिनिधी होते ते म्हणत होते की यांना कोणी म्हणत होतं की यांना ट्रीटमेंट करू नका, कोणी म्हणत होतं यांच्याकडनं भाजपला घेऊ नका, पण स्थानिक लेवलवरती तुम्ही जी स्टेटमेंट दिली होती ती मी वाचल्यानंतर म्हणलं होतं यार ये होता है विचारधारा, त्यांनी म्हटलं होतं की यार तबलीग ही एक वेगळी संघटना आहे, त्याचा आदर्शी तुम्ही कॉम्बिनेशन करू नका, नक्कीच चूक झाली ती झाली, जे होती त्या गोष्टी नंतर ऑडिट करता येतील, पण सध्या या अवस्थेमध्ये या संकटाच्या काळामध्ये जाती रंग घेऊ नका। आता तरी म्हणायला वाटतं का मी मारा तुम्ही